नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी विचो इस्तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आयुर्वेदिक और एलोपैथी डॉक्टरों के बीच छिड़ी जंग, आईएमए की जूनियर विंग कर रही विरोध। अभय योजना में लोगों को छूट, पानी बिल पर लगे जुर्माने का 70% जुर्माना, मनपा कर रही माफ। सिनेमा घरों में फिल्म देखने का इंतजार और होगा लंबा, नई फिल्म रिलीज होने तक सिनेमा घरों में ताला। अब खबरें विस्तार से। आयुर्वेदिक और एलोपैथी डॉक्टरों के बीच जंग छिड़ गई है। आपको बता दें कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी में 48 तरह की सर्जरी करने की अनुमति दी है। इसी का विरोध आईएमए की जूनियर विंग कर रही है। एलोपैथी के डॉक्टर केंद्र सरकार के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं और इसे मिक्सोपैथी का नाम दिया है। इसी कड़ी में आईएमए की जूनियर विंग की ओर से 2 दिनों का अनशन किया जा रहा है। 2 फरवरी को इसकी शुरुआत हुई जो आज भी चलेगी। जूनियर विंग की ओर से किए जा रहे इस आंदोलन में मेडिकल और मेयो के पीजी डॉक्टर भी शामिल है। ये जो 50 सर्जरी परफॉर्म कौन करता था, मतलब एलोपैथी में जो आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स ऑफ 5.5 ईयर्स MBBS के बाद पूरे तीन साल का एक पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स रहता था, दैट टू इन अ पर्टिकुलर स्पेशल, दैट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जनरल सर्जरी हो या फिर ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हो या फिर ऑफ्थाल्मोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स। ये मनपा पानी का बिल भरने के लिए जनता को प्रोत्साहित कर रही है। पानी के बिल पर लगे जुर्माने का 70% जुर्माना मनपा माफ कर रही है। इसके लिए 22 फरवरी तक बिल भरने की अपील जनता से की गई है। मनपा के जलापूर्ति विभाग की अभय योजना के तहत बिल में लोगों को छूट दी जा रही है। लंबे समय से सिनेमाघरों में फिल्म देखने का इंतजार करने वालों का इंतजार और लंबा हो सकता है। सिनेमाघर संचालकों की माने तो नई फिल्म रिलीज होने तक सिनेमा घर नहीं खुलेंगे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने सीए फाइनल परीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसमें शहर की पूजा बत्रा को ऑल इंडिया में 37वां रैंक मिला है। उसे परीक्षा में 800 में से 527 अंक मिले। बता दें कि परीक्षा नवंबर 2020 में आयोजित की गई थी। कोरोना के कारण परीक्षा देरी से आयोजित की गई थी। एक तड़ीपार आरोपी की नंदनवन में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। मरने वाले का नाम अल्ताफ शेख है। उसे नागपुर शहर में 1 साल के लिए 17 दिसंबर 2020 को तड़ीपार किया गया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम नंदनवन में करीब 4:30 बजे शेष नगर इलाके में अल्ताफ शेख पर घातक हथियारों से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद आरोपी सलमान खान घटना स्थल से फरार हो गया। नशे की हालत में अल्ताफ सलमान से मिला, किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ। जानकारी मिलने पर नंदनवन पुलिस घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बजट बढ़ाया गया है। इसी के साथ विदर्भ की उम्मीदें भी बढ़ गई है। विदर्भ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की भारी कमी है, अब इसमें बढ़ोतरी की उम्मीदें की जा रही है। नागपुर शहर में मेट्रो दौड़ने के बाद अब मेट्रो को गाँव तक पहुंचाने की तैयारी है। बजट में नागपुर मेट्रो के फेज 2 के लिए 5,976 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मेट्रो का दूसरा फेज 43.8 किलोमीटर का होगा। इसका विस्तार ऑटोमेटिव चौक से कन्हान तक 13 किलोमीटर तक रहेगा। खापरी से बुट्टी बोरी की ओर फेज 2 में 18.7 किलोमीटर का मेट्रो रूट होगा। इसी प्रकार प्रजापति नगर से ट्रांसपोर्ट तक 5.5 किलोमीटर का मेट्रो सफर रहेगा। वहीं लोकमान्य नगर से हिंगना तक कुल 6.6 किलोमीटर का मेट्रो सफर यात्री कर सकेंगे। ये सभी सेक्शन एलिवेटेड रहेंगे, यानी सड़क के बीचों बीच बने पिलरों के ऊपर से मेट्रो दौड़ेगी। वर्तमान में नागपुर में 48 किलोमीटर का मेट्रो ट्रैक है, जिस पर 48 स्टेशन है। बर्डी इंटरचेंज से लोकमान्य नगर, खापरी, प्रजापति नगर और ऑटोमोटिव चौक, ऐसी 4 जगहों पर मेट्रो चलाई जानी है। इसमें 90% काम हो गया है। आप बस में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। बस का इंतजार करते हुए अब आपको ज्यादा देर तक बस स्टॉप पर खड़े नहीं रहना होगा। शहर में आवाजाही को आसान बनाने के लिए मनपा परिवहन विभाग ने 80 नए बसों को मंजूरी दी है। आज से शहर की सड़कों पर 250 बसें दौड़ेगी।
मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को 30 और सोमवार को 50 बसें बढ़ाने के आदेश परिवहन विभाग से जारी हुए। बसों में स्टैंडर्ड, मिडी और मिनी बसें शामिल है। IBTM ऑपरेटर डिम्स ने बसों के रास्ते का शेड्यूल जारी कर दिया है। हालांकि परिवहन समिति सभापति बाल्या बोरकर ने 100 बसों के संचालन का निर्णय लिया था। मनपा प्रशासन ने इसमें 20 बसों की कटौती की है। बोरकर ने कहा कि अनलॉक की प्रक्रिया के साथ ही हर चीज खुल चुकी है। 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। ऐसे में बसों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है। प्रशासन से पूरी बसें शुरू करने का प्रस्ताव जल्द ही रखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर मौसम के ताजा हालात पर। देखिए वेदर टुडे। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगा खास। देखिए आपका भाग्योदय। Oh.
इतना ही। आप हमारे विचोइस्तास के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे विचोइस्तास। नमस्कार।